जरासंध कौन थे? मैंने बताया था कुछ समय पहले, कंस के ससुर। बहुत परेशान कर रहे हो भगवान को, बार बार आक्रमण, बार बार आक्रमण। तो यहां पर भगवान कहते अब इसका कुछ करना पड़ेगा। पर वो दान बहुत करता था, उसका पुण्य उसके साथ जुड़ा था। दान करने से आपके पाप कटते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप आइडिया लगा ले कि भाई अच्छा है, पाप करो दान करो, पाप करो दान करो, ऐसे नहीं होता। सजा तो मिलती है, बस हो सकता थोड़ी देर से मिले। तो जरासंध की सजा आप सुनेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपको ऐसे काम नहीं करने हैं। लेकिन थोड़ा फायदा हुआ तो महाराज, अब यहां पर जरासंध के लिए भगवान कहते हैं कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो चीज इसके लिए फायदेमंद है उसी से इसका अंत हो। कैसे? और युद्ध भी करना है तो इसके अकेले से युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार सेना आने से जो बेगुनाह है वो मारे जा रहे हैं। देखिए, जो दोनों जो मेन है उनको तो कुछ नहीं हो रहा, दोनों राजा ठीक है। तो भगवान कहते जिसका बुरा हो रहा है वो कौन है? सेना। तो भगवान अब ये अकेला तो आएगा नहीं, तो भगवान क्या करते हैं, ये सुबह उठते ही स्नान इत्यादि करके दान करता था ब्राह्मणों को, मगर सिर्फ ब्राह्मणों को। और दान भी कैसा, जो मांग लो, माने कोई मनाही नहीं। अगर उसकी बस की चीज है तो वो आपको दे। तो भगवान पांडवों के साथ जाते हैं, साधु का वेश बना, ब्राह्मणों का वेश बना कर जाते हैं। उसके पास गए तो वो कुछ सामान देने लगा, तो भगवान कहते ये सब नहीं चाहिए। तो बोले, फिर बोले बताओ क्या चाहिए? बोले वचन चाहिए कि जो मांगेंगे वही दोगे, पीछे नहीं हटोगे। उसने कहा मैं पीछे हटने वालों में से हूं भी नहीं, जो मांगना है मांगो। भगवान कहते पहले वचन। उसने कहा रे ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांग लोगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा। आपको लग रहा होगा कितना तो अच्छा आदमी है, पर वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी शक्ति पर इतना भरोसा है कि सुबह तुमको राज्य देकर शाम को युद्ध करके वापस ले लो। भगवान कहते पहले वचन। उसने कहा रे दिया वचन, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा वचन की जरूरत, अरे मैं मेरे से माँ वो अपनी बड़ाई करने लगे, मैं ये मैं वो। अर्जुन को गुस्सा हो रहा है। अर्जुन भगवान से बहुत प्रेम करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि भगवान के सामने कोई अपनी तारीफ कर रहा है, उसको बड़ा क्रोध आ रहा है कि भगवान सुन क्यों रहे हैं इसकी इतनी। तो उसने क्रोध, अब क्रोध आपके लिए अच्छा बने बनाए काम को अगर कुछ खराब कर सकता है तो वो है आपका क्रोध। इसीलिए क्रोध से बचकर रहना चाहिए। तो अर्जुन यहां सब सही चल रहा था, अर्जुन ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करो। अच्छा, अब जो कहा उसमें गलती नहीं है, पर ये जो हाथ दिखाया उसमें गलती कर दी। क्यों? भगवान ने चार वर्ण बनाए हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पहले सब अपने अपने काम करते थे। तो ब्राह्मणों का काम क्या था? शिक्षा देना। ये सब बाद में हुआ है जब गुरुकुल बंद हो गए, जब गुरुकुल तोड़ दिए गए, गुरुकुल बंद करा दिए गए, उसके बाद ही। तो सबसे पहला काम ब्राह्मणों का था शिक्षा देना। इसीलिए उनका स्थान इतना ऊपर है, क्योंकि गुरु को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है, जो आपको शिक्षा देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपके गोविंदियों बताए। इतना ऊंचा स्थान भगवान ने गुरु को दिया है, इसीलिए ब्राह्मणों को स्थान ऊपर दिया गया। दूसरा स्थान क्षत्रिय, जो आपकी रक्षा करते हैं। राजा इत्यादि जो पहले राजा होते थे, युद्ध लड़ते थे। तीसरा वैश्य, जो व्यापार का कार्य करते थे, धन इत्यादि संभालते थे। चौथा शूद्र, जो सेवा इत्यादि का कार्य करते थे।
भगवान ने किसी को ऐसे ऊपर नीचे नहीं बनाया, भगवान ने अपना अपना काम लिया और उनके लिए वही काम सबसे अच्छा था। तो समय समय की बात है ना, अभी का समय खराब ना पहले का समय खराब। खराब हर चीज हम करते हैं, भगवान ने कुछ भी खराब नहीं किया, हमने खराब किया हर चीज। हमने जब अपना मन लगाया, अपनी बुद्धि लगाई, अपनी जलन लगाई, अपनी महत्वता लगाई, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की। देखिए, भगवान आपको बड़ा बनाए तो बहुत अच्छी बात है, जब आप खुद को बड़ा बनाने लगे तब गलत हो जाता है, तो चीजें वहीं से खराब हुई। भगवान ने कुछ भी खराब नहीं किया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस वक्त हर कोई अपना अपना काम करता था, तो ब्राह्मण युद्ध नहीं करते थे, क्षत्रिय शिक्षा नहीं देते थे, तो जो क्षत्रिय होते थे बाण चलाते थे, तो प्रत्यंचा जो चढ़ाते हैं उसके कारण हर क्षत्रिय के अंगूठे पर एक निशान होता है, वो सिर्फ क्षत्रियों के अंगूठे पर होता है। तो अर्जुन ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करो, तो जरासंघ की नजर पड़ी अर्जुन के अंगूठे पर, वो कहे तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। अब वो सेना आ गई है, वो कहे सामने आ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भगवान कहे अच्छा खासा काम चल रहा था, तब अपने असली रूप में आते हैं। जरासंघ कहे कृष्ण क्या चाहिए तुम्हें, जिसके लिए इतनी लीला करी तुमने। भगवान कहते युद्ध करना है, लेकिन मल्ल युद्ध करना है, सेना नहीं आएगी। जरासंघ कहे तो क्या सीधे सीधे मेरे पास आकर कहते तो मैं मना कर देता क्या? अब लेकिन अब सब खड़े हैं ना, तो वो भगवान को पसंद नहीं करता होगा, तो वो कहने लगता है कि पर क्या करे, इसे कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं, अरे इसने हर काम टेढ़े किए। जन्म कब लिया? मध्य रात्रि में। थोड़ी देर रुक जाते, सुबह हो जाती, तब की नींद खराब की। मध्य रात्रि में जन्म लिया, कहां जन्म लिया? जेल में। जरासंघ कहे भगवान बने फिरते हो, अरे तुम्हारे बगल में तो महल था, थोड़ी सी लीला करते कि देव की माता को थोड़ी देर के लिए महल जाना पड़ता, पर तुमने जेल के अंदर जन्म लिया, ये भी काम टेढ़ा। खड़े टेढ़े होते हो, मुकुट टेढ़ा रखते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो, काम टेढ़ा करते हो। अब वो बार बार कहे, अर्जुन ने पीछे से कहा, इसीलिए कहा जाता है टेढ़े आदमी के साथ नहीं लगना चाहिए। भगवान कहते मेरी तारीफ हो गई तो युद्ध करें। जरासंघ कहे तुमसे नहीं करूंगा। भगवान कहते तो किससे करोगे? बोले भीम से करूंगा, मुझे मेरे सामने खड़े रहने लायक केवल भीम लगता है, तुम में से तो कोई मेरे सामने खड़े रहने लायक नहीं। वो भगवान को ये बात बोल रहा है। भगवान कहते अच्छी बात है, मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिसे मैं मारता हूं मेरे धाम जाता है, तुम्हारे जैसे पापी को मैं अपने धाम भेजू ही ना। तो भीम के साथ युद्ध होता है, 27 दिन तक युद्ध चलता है। कितने? उसको खरोच नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? बृहद्वीत नामक एक राजा थे, उनकी दो रानियां, एक भी संतान नहीं। तो वो कुछ संतों के पास जाते, उनकी सेवा करते हैं। अंत में संतों ने जाने से पहले कहा क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे संतान चाहिए। तो उनको नहीं पता था कि इसकी दो रानियां हैं। उन्होंने एक फल दिया, बोले पत्नी को खिला देना। पत्नी ने आधे आधे फल खा लिए, तो 9 महीने बाद दोनों को बालक हुए आधे आधे, यानी एक हिस्सा एक को हुआ और एक हिस्सा मृत मरे हुए बच्चे हुए। तब राजा को लगा कि ये तो प्रजा को पता चल गया, प्रजा डर जाएगी, तो उसने रातों रात वो दो हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में एक मायावी राक्षसी थी जरा, उसने वो दो हिस्सों को पकड़ा और जी जी करके चिल्लाने लगी, जी यानी प्राण। वो करते करते उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया, जोड़ते ही उसमें प्राण आ गए, इसीलिए नाम पड़ा
जरासंघ, जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संघ किया, तो जरा संघ यानी बीच का हिस्सा कमजोर है, अब कहीं कुछ भी करो से कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान ने 27वें दिन, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, भगवान ने कहा कल मुझ पर नजर रखना, मैं कुछ इशारे करूंगा। उसने कहा ठीक है। अब दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ, भीम भूल गए। अब भगवान कह रहे आज का दिन भी फिर निकल जाएगा, तो भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान जोर से आवाज कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अहो भीम, क्या दाव खेला है, क्या दाव खेला है। अब भीम कहे ये दाव तो भगवान पहले भी देख चुके हैं, इतनी तारीफ तो कभी नहीं करी। फिर उसको याद आया कि अपनी ओर देखने को कहा था, वो भगवान की ओर देखते हैं। भगवान ने एक टहनी उठाई और उसको बीच से पकड़कर चीर दिया। भीम तुरंत मुंह घुमाते हैं, जरासंघ के पैरों को पकड़ते हैं और दोनों पैरों को पकड़कर चीर देते हैं। चीर दिया तो फिर जुड़ गए, फिर जुड़ गए तो फिर भगवान की ओर देखे। भगवान के पहले ही पूरा देख लो, इतना सर घुमाने की जल्दी है। भगवान ने फिर टहनी उठाई, उन दो हिस्सों को तोड़ा और दो विपरीत दिशाओं में फेंका कि ये दोनों अब सामने नहीं आने चाहिए। तो भीम ने पैरों को पकड़ा और चीरते हुए दो विपरीत दिशाओं में फेंका। इस प्रकार जरासंघ का वध होता है।